हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, इस सीरीज़ में आपके यूनिट 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई चलाई जा रही है और आपकी यूजीसी एनटीनेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन जो आपका अक्टूबर में होने वाला है एग्जाम 2021। तो इस क्लास में हम मल्टी एजेंट सिस्टम, ये आपने देखा होगा यूनिट 10 में मल्टी एजेंट सिस्टम, एजेंट एंड ऑब्जेक्ट, एजेंट एंड एक्सपर्ट सिस्टम, जेनरिक स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम, सिमेट्रिक वेब, एजेंट कम्युनिकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग यूजिंग ऑन्टोलॉजीज, एजेंट डेवलपमेंट टूल। तो ये सारे टॉपिक हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम। मल्टी एजेंट देखो, सिंगल एजेंट सिस्टम क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है क्या एकदम स्मॉल। आप जैसे आप एजेंट हो तो आप अपने लेवल पर कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जो आपसे हो सकती है आप वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर मल्टीपल पर्सन है तो वो प्रॉब्लम मल्टीपल सॉल्व कर सकते हैं। एक बंदे से सॉल्व नहीं हो रही, वो सेकेंड सॉल्व कर सकता है, सेकेंड से नहीं थर्ड सॉल्व कर सकता है। तो सेम काम यहाँ मल्टी एजेंट सिस्टम करते हैं, MES और सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम। MES को आप क्या बोलते हो, सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम। इज ए कंप्यूटराइज सिस्टम कंपोज ऑफ मल्टीपल इंटरेक्टिंग इंटेलिजेंट एजेंट। मल्टी एजेंट सिस्टम कैन सॉल्व प्रॉब्लम दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल एजेंट और ए मोनोलिथिक सिस्टम टू सॉल्व। इंटेलिजेंस में इंक्लूड मेथोडिस फंक्शनल प्रोसीजर अप्रोच, एल्गोरिथम सर्च और रेनफोर्समेंट लर्निंग। मल्टी एजेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एजेंट एंड देयर एनवायरनमेंट। टाइपिकली मल्टी एजेंट सिस्टम रिसर्च रेफर टू ए सॉफ्टवेयर एजेंट, ठीक है। द एजेंट इज मल्टी एजेंट सिस्टम कुड इक्वल वेल बी रोबोट, ह्यूमन और ह्यूमन टर्म। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, एजेंट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, एजेंट एंड ऑब्जेक्ट। तो वो देखिए, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट पैसिव एलिमेंट, फिर नाउ एजेंट रिप्रेजेंट एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। क्या करता है, एक्टिव एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है इन्हें सॉफ्टवेयर सिस्टम। एजेंट एंड ऑब्जेक्ट परफॉर्म एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शन इन डायनामिक एनवायरनमेंट टू अकॉम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी रिएक्टिव एंड हैव ए इम्प्लिसिट गोल एज दैट ऑफ एजेंट। नेक्स्ट देखिए, जो एजेंट है आपका, एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड, ठीक है। इट इज़ इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर एंड एक्टिंग अपन द इन्वायरमेंट। तो ये आपका एजेंट का काम होता है। वर्चुअल एंटिटी दैट कैन बी कंसाइडर एज द एजेंट इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रिसीव इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रोड्यूस आउटपुट दैट इनिशिएट एक्टिंग ओवर इट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए मल्टी एजेंट सिस्टम। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए मल्टी एजेंट सिस्टम, ये जैसे मल्टी एजेंट सिस्टम है, ये आपका 3-3 का ग्रुप बनाया हुआ है। ये इन्वायरमेंट है आपका, तो ये जैसे कोई कंपनी हुई या कोई भी आपका स्कूल हुआ या कुछ और चीज़ हुई, जो मल्टीपल, जो ये आपके इस ग्रुप में ये 3 एजेंट है, 1, 2, 3, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है आपके, ठीक है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे आप ये जो एरो का दिखाई दे रहे हो, ये इंटरेक्शन है, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। और ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जो आप ये डॉट डॉट लाइन कर रहे हो, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब इन दोनों का एरिया ये है, और इन दोनों का एरिया ये, इन दोनों का मतलब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो ये आपका मल्टी एजेंट सिस्टम जनरल स्ट्रक्चर है आपका। सिमेट्रिक वेब क्या होती है, ये देख लीजिए। वॉट इज सिमेट्रिक वेब? द सिमेट्रिक वेब इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब थ्रू द स्टैंडर्ड सेट बाई द वर्ल्ड वाइड वेब WC3। द गोल ऑफ द सिमेट्रिक वेब इज टू मेक द इंटरनेट डाटा मशीन रीडेबल। सिमेट्रिक वेब आपका सेम काम करता है जो आपका WWW काम करता है,
बस इसको नाम चेंज करके सिमेंटिक वेब दे दी है इन एआई में। द गोल ऑफ द सिमेंटिक वेब इज टू मेक द इंटरनेट डाटा मशीन रीडरेबल। और ये आपका WWW करता है, सिमेंटिक वेब इजी वे टू अलाउ मशीन इंटरप्रेट नॉलेज टू बी द डिस्ट्रीब्यूट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इंस्टेंट ऑफ जस्ट सेविंग HTML पेज दैट आर मेड टू बी रीड बाई ह्यूमन। वेब साइट ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू द कंप्यूटर। बस इतना याद रखते हैं, जो आपके WWW है वो मशीन इंटरप्रेट नॉलेज टू द डिस्ट्रीब्यूट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब है। ये आपकी इम्पोर्टेंट है यहाँ से इसकी सिमेंटिक वेब की डेफिनेशन, वो मशीन इंटरप्रेट करवाता है नॉलेज टू द डिस्ट्रीब्यूट को। ये थोड़ा अलग है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एजेंट कम्युनिकेशन। एजेंट कम्युनिकेशन देखिए क्या होता है आपका। एजेंट कम्युनिकेशन मतलब आपस में बातचीत करना, आपस में मैसेज सेंड करना, रिसीव करना, फॉरवर्डिंग करना, गेटिंग करना, ये सब आपका एजेंट कम्युनिकेशन में आता है। जैसे एजेंट कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द मैसेज पासिंग वेयर एजेंट कम्युनिकेट बाय फॉर्मुलेटिंग एंड सेंडिंग इंडिविजुअल मैसेज टू ईच अदर। द FIPA ACS स्पेसिफिक ए स्टैंडर्ड मैसेज लैंग्वेज बाय सेटिंग आउट ऑफ द एनकोडिंग सिमेंट्रिक एंड पैरामेट्रिक ऑफ द मैसेज। द मोस्ट पॉपुलर ACLR FIPA ACL। ये जो ये टर्म आपके नेट के एग्जाम में पूछी जाती है गाइस, जो कि नॉलेज में हमारी नहीं होती और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। FIPA ACL बाय द फाउंडेशन ऑफ द इंटेलिजेंट फिजिकल एजेंट ए स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्सोर्टियम KQML नॉलेज क्वेरी एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका नॉलेज शेयरिंग यूजिंग ऑन्टोलॉजिशन। नॉलेज ऑफ्टन कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्स एंड मस्ट बी इंटेग्रेटेड। मोर हावेर दिस सोर्स मे नॉट हैव द सेम डिविजन ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ्टन नॉलेज कम फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड दैट हैव देयर ओन डिस्टिनेटिव टर्मिनोलॉजी एंड डिवाइड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स एंड फिलोसफी। ऑन्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वॉट एग्जिस्ट इन AI एंड ऑन्थोलॉजिस इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द सिंबल इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज इट इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कंसेप्चुलाइजेशन। इट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ ओ वॉट इंडिविजुअल एंड रिलेशनशिप आर अज्यूम टू एग्जिस्ट एंड वॉट टर्मिनोलॉजी इज यूज फॉर दैम। ये आपका इसमें आता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका एजेंट डेवलपमेंट टूल। एजेंट डेवलपमेंट टूल क्या होता है देखिए, इसमें ADT एजेंट डेवलपमेंट टूल, इसमें क्या होता है गाइस, कुछ टूल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एजेंट डेवलप करने में। तो वो आप देखिए कौन कौन से टूल होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस AI से पूछे जाते हैं। DT इज ए सेट ऑफ utilities for guiding a programmer through the step required for defining and adding new agent to SRIS open agent architecture or OA. Unfortunately, ADT cannot be made available for use outside SRI, but it is described here and in a journal paper Agent Development Tool for the Open Agent Architecture for those who may be interested in its concept. Currently, the ADT contains three separate utilities, PROACT, and इसकी फुल फॉर्म क्या है PROACT की, Programmers Agent Construction Tool. It's used to define the capabilities of an agent to manage documentation for the agent and to generate code template in server programming language. LEAP देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, Linguist Expertise आपकी LEAP इसकी फुल फॉर्म है आपकी। ये अच्छी
अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट फॉर्म है, इसको प्लीज लर्न कर लीजिए। फैसिलिटी द टास्क फॉर इंटरफेसिंग ए न्यू एजेंट विद द ओरिएंटेड कंपोनेंट सच एज नेचुरल लैंग्वेज, मतलब आपके जैसे एक ट्री बनता है, एक क्लास इनहेरिटेंस किया जाता है, सेम वो ऑप्शन आपका इसमें है। ये देखिए एजेंट डेवलपमेंट टूल, ये एडीटी है, इस पर आप एजेंट बनाते हो। पीआरए एक्ट लीव प्रोजेक्ट, ये हेल्प एग्जिट, यहाँ से आपका एजेंट बनता है। जैसे फोन बना, घड़ी बनी, ये भी तो एक एजेंट के रूप में ही काम होता है। ये सब है पीआरओएसीटी क्या, प्रोग्रामर एजेंट कंस्ट्रक्शन टूल। एलईएपी आपकी फॉर्म याद कर लीजिए, पीआरओजेईसीटी आपके मैनेज करते हैं एजेंट को। प्रोजेक्ट टूल इज यूज टू डिफाइन ए पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एजेंट फॉर ए गिवन एप्लीकेशन डोमेन। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कवर हो गई है। तो ये आप देख लीजिए, आपके स्टडी मटेरियल भी साथ के साथ प्रोवाइड हो रहा है और आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो इससे अच्छा आपका मतलब स्टडी करने का या नेट पेपर क्लियर करने का नहीं हो सकता, कि टॉपिक बाई टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू गाइस।